एक जानकारी चाहिए है एक व्यूअर ने, उनको विपस्सना जाना है। विपस्सना जाने के लिए वो पूछते हैं कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है। विपस्सना जाने के लिए अगर आपका विपस्सना में मन है तो विपस्सना की दो चार मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। विपस्सना एक टेक्निक है जो आपको ये सिखाएगी, ये बताएगी कि आपका मन कितना अशुद्ध है और कितना शुद्ध है, और अशुद्ध मन को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, और कैसे आपकी जितनी व्याधि हैं, जितनी रोग हैं, जितने परेशानियां हैं मानसिक और शारीरिक, वो कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, दुख कैसे आता है, कैसे जाता है। विपस्सना सिखाने के 200 के आसपास में सेंटर हैं जो dhamma.org वेबसाइट के अंदर हैं। अगर आप dhamma.org वेबसाइट पर जाएंगे या आप अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर एक ऐप dhamma.org की लॉगिन कर लेते हैं या उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, उस ऐप को खोलने के बाद या नेट पे जाने के बाद, उस साइट को खोलने के बाद उस पर लिखा होगा dhamma.org और एक उसमें धम्म चक्र होगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जब आप उसको खोलेंगे तो वो आपकी डिटेल मांगेगा, वो पेज आपकी डिटेल मांगेगा, उसमें आपका नाम, पता और आपको कहाँ शिविर करना है। शिविर का मतलब है कहाँ पर आपको 10 दिन के लिए ये कोर्स करना है, वो जगह आपसे पूछेगा। वो डिटेल सारी आप भर देंगे तो वो डिटेल चली जाएगी और उसके बाद आपको एक मेल आएगा और उसमें फ़ोन नंबर भी दिए हैं, आप चाहें तो फ़ोन करके पता कर सकते हैं। मेल आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई है। कोशिश करें कि जितना दूर घर से आप बुकिंग करा सकें कम से कम 200-250 किलोमीटर हो, क्योंकि घर के पास रहने से घर की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वो पास में ही रहेंगी, तो ध्यान में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। पहला ध्यान है तो कोशिश करें कि 200-250-300 किलोमीटर दूर हो, आपका घूमना भी हो जाएगा और आपको घर की याद भी नहीं आएगी। 10 दिन तक के जो काम हैं, क्योंकि दिन लगेंगे पूरे 10, आप जिस दिन जाएंगे उस दिन शाम को विपस्सना कोर्स आरंभ होता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस आरंभ होती हैं और 10 दिन पूरी सिखाई जाती है, और जो 10 दिन के बाद अगला दिन आता है उस दिन सुबह 7 बजे आपकी छुट्टी होगी मॉर्निंग में। 10 दिन कब निकल जाते हैं इसका तो पता नहीं चलता, क्योंकि 20 दिन के और 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन के भी कोर्स हैं, 180 दिन के भी हैं और 2 साल के और 1 साल के भी हैं जो बर्मा के अंदर चलते हैं। विपस्सना जाने के लिए या विपस्सना जा रहे हैं तो मन में ये ना सोचें कि विपस्सना इसलिए जा रहा हूँ कि ये परेशानी है या कुछ मुझे लाभ अर्जित करना है या गेन करना है। अगर मन में कोई इच्छा लेकर जाएंगे तो विपस्सना की टेक्निक को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसको किसी भी तरह से आप फील नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन इस बात में लगा रहेगा कि जो चीज़ मैं प्राप्त करने आया हूँ वो अभी मुझे कितनी प्राप्त हुई, हो रही है या नहीं हो रही है। विपस्सना को ये देखने के लिए जाएं कि विपस्सना क्या होती है और कैसे होती है, तो विपस्सना का एक एक इंस्ट्रक्शन का पूरा फॉलो करें। अगर आप वहाँ बताई हुई सूचना, बताई हुई जानकारी, बताए हुए निर्देश, जो भी डायरेक्शंस हैं, अगर आप 100% अगर उनका पालन करेंगे बिना अपना ब्रेन अप्लाई किए हुए, अपना मस्तिष्क उसमें अपना दिमाग ना लगाएं, उनके निर्देशों का पालन करें। ये निर्देश बहुत पुराने निर्देश हैं और ये बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके बनाए गए हैं, इसलिए ये अभी तक के सबसे बेस्ट निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, और कोर्स के हिसाब से एक एक चीज़ बिल्कुल तरीके से बनाई गई है, बहुत रिसर्च हुई है। 10 दिन तक आप अपना जो ब्रेन है अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे विपस्सना कैसे काम करती है और उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेंगे, तो लगभग 7वें दिन आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो लोगों को 2-2 साल और 3-3 साल 10 कोर्स करके और 20-20 कोर्स करके भी नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं करते। 10 दिन आपके बेकार चले जाएंगे अगर आपने वहाँ के नियमों का पालन नहीं किया। एक एक नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वहाँ मौन रखना है, साइलेंस रखना है और नोबल साइलेंस रखना है, बोलना नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी निगाह भी नहीं उठनी चाहिए,
आपके मन से भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपके हाथ पैरों से इशारे भी नहीं होने चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आवाज़ और बात करने की तो बात बहुत दूर की है, तो गेन आपको 100% होगा। अगर वहाँ कम खाने की मात्रा के नियम बताए जा रहे हैं तो आप चेक कर लें, अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, विपस्ना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि शरीर आपका सारी ऊर्जा उसको पचाने में खींच लेगा और आपको आलस और नींद आएगी। अगर आपको समय सारणी के हिसाब से पालन करना बताया गया है तो वो हजारों लोगों का टेस्टेड है, क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट, उसमें आपको आराम भी मिलेगा और उसमें आपको फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो भी चीज़ आपने बताई जा रही है वो सच सच वहाँ बता देंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो विपस्ना करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपस्ना अनुभव करने की चीज़ है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल प्योर है। 10 दिन तक का कोर्स करने के बाद में मैंने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया और बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा भी है। 2003 में मैंने पहला कोर्स किया था, तब से मैं काफ़ी लोगों को भेज चुका हूँ। आज तक किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया, ये कोर्स ख़राब है या मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। सभी ने आके अपने रिश्तेदारों को या किसी न किसी प्यारे बंधुओं को भेजा है और उन्होंने भी लाभ प्राप्त किया है। आप जब वहाँ जाएँ तो कम से कम सामान लेके जाएँ। वहाँ बिल्कुल साधु जैसी ज़िंदगी रहती है, कुर्ते पजामे ढीले ढाले से, वो सब बताया जाता है वहाँ पर। वहाँ जब वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहाँ बुक करा दें और बुक कराने के बाद में ले लें। वहाँ फ़ोन नंबर भी होता है, फ़ोन पर संपर्क में रखें। सारे ही बहुत मधुर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। वहाँ रहने खाने का भी कोई चार्ज और कोई फ़ीस नहीं है। आपको वहाँ ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपसे कोई वहाँ पैसे मांगने के लिए काम कर रहा है, या किसी ने आपको इसलिए ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया क्योंकि कोई पैसे की बात नहीं है। वहाँ सभी को समानता का ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी पैसे से या पोजीशन से या ज्ञान से हो, या कोई बहुत छोटा आदमी पैसे से, पोजीशन से या ज्ञान से है या सामाजिक वजह से है, उन सबका स्टेटस वहाँ बराबर होता है, सभी साधक होते हैं। सीटें जो मिलती हैं वो मिलती हैं वहाँ आगे और पीछे बैठने की, कि विपस्ना में कौन साधक कितने कोर्स कर चुका है। जो सीनियर होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है, जो उम्र में ज़्यादा होते हैं उन्हें आगे बैठाया जाता है, जो नौसिखिए होते हैं पहली बार सीखते हैं उनको पीछे बैठाया जाता है, या जो यंग होते हैं उनको पीछे बैठाया जाता है बुजुर्गों के बाद में। महिलाओं का रहना खाना पीना और पुरुषों का रहना खाना पीना सब अलग अलग होता है। कहीं कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन 10 दिन तक नहीं होगा। 10 दिन के बाद में फिर आप फ्री हैं, जो मान्यता आपको माननी है माने, जो आपने करना है करें, मगर 10 दिन अगर आप जा रहे हैं तो सारी चीज़ को घर पे छोड़ के जाइए, जो भी आपके मन में है सब छोड़ के जाइए, तब इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और ये बहुत कमाल की चीज़ है और लगभग भारत के सारे स्टेट्स में है, सभी स्टेट्स में है और काफ़ी सारे कंट्रियों में भी ये आगे है। इसके लिए जब dhamma.org करके आप जाएंगे तो वहाँ साइट पे सब लिखा होगा। आप चाहें तो विदेश में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नेपाल जाके कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लैंड जाके कर सकते हैं, आप चाहें तो अमेरिका जाके कर सकते हैं, आप चाहें तो जापान जाके कर सकते हैं, जो कंट्री आपको अच्छा लगता हो वहाँ भी जा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कोर्स एक ही है, एक ही टाइम टेबल है, एक ही नियम है, सिर्फ जगह का अंतर है। खाना वहाँ लगभग सबको सादा और बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया मिलता है, जगह के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, खाने की इतनी आवश्यकता रहती भी नहीं है। मन बिल्कुल ऐसे हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और लाभ इतना होता है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से, आपको डायरेक्ट आपकी आंखों के सामने आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे तो, अगर आप नियमों का, निर्देशों का पालन करेंगे तो। जिस दिन से विपश्यना करेंगे उसी दिन से आपको लाभ दिखाई देना शुरू कर देगा। अगर आपने नियम का पालन नहीं किया, निर्देशों का पालन नहीं किया, तो आपको नुकसान भी साफ दिखाई देगा जो आपके शरीर में अब तक होते चले आ रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं। इसलिए जो लोग विपस्ना जाना चाहते हैं वो वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, वेबसाइट ही आज की डेट में है। बाकी अगर कोई वेबसाइट से नहीं कराया जा सकता तो 16 हेमकुंड टावर नेहरू प्लेस में इसका ऑफिस है, वहाँ चले जाएँ, वो आपका वेबसाइट पर खुद भर देंगे, या किसी से वेबसाइट पर इसमें भरवा लें, मोबाइल से या स्मार्टफोन से। विपस्ना को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। बेशक आपकी कोई भी मान्यता है, कोई भी आपका कर्मकांड है, कैसे भी आप जी रहे हैं, किसी भी प्रकार के मनुष्य हैं, किसी भी कंट्री के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी उम्र के हैं। बच्चों के लिए छुट्टियों में 3 दिन का होता है,
बाकी 18 साल से ऊपर वालों के लिए 10 दिन का कोर्स होता है। 10 दिन का पहला कोर्स कंपलसरी है, उसके बाद में आप अपने घर भी कर सकते हैं, या चाहें तो एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, चार दिन का, पाँच दिन का, छः दिन का, अगर सीट खाली है तो आप गेस्ट के रूप में किसी भी सेंटर में कभी भी जा सकते हैं। सेंटर हमेशा खुले रहते हैं, अगर सीट अवेलेबल होती है तो आपको बीच में से भी कोर्स मिल सकता है, उसको गेस्ट कोर्स बोलते हैं। बाकी जगह जगह लोगों ने अपने यहाँ बैठक और साधना के बनाए हुए हैं, वो सारी सूचनाएँ मिलती रहती हैं। एक न्यूज़पेपर आता है छोटा सा, उसमें सारी सूचनाएँ होती हैं, बाकी वेबसाइट पर होती हैं या आपके स्मार्टफोन पर होती हैं। विपश्यना के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो dhamma.org की वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्ट उनसे ले सकते हैं। धन्यवाद।